जी, तो हमारा जो पहला कंडीशन था वो क्या था, निफ्टी विद इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन एंड निफ्टी अगर पॉजिटिव है। तो हमारा थॉट प्रोसेस होता था कि निफ्टी अगर पॉजिटिव है शुरू के 5 मिनट के कैंडल में, तो हम लोग जो भी सेटअप बनाएंगे, जो भी स्टॉक सिलेक्शन करेंगे, वो बाइंग साइड के लिए करेंगे, राइट। और अगर निफ्टी अगर रेड कैंडल है, सपोज फॉर एग्जाम्पल देखिए, 5 मिनट का कैंडल अगर रेड है, तो हमें जो स्टॉक के अंदर पोजीशन बनानी है वो सेल साइड में बनानी है। और आप लोगों को लग रहा होगा इतना सिंपल, सर ये तो बच्चे भी बता देंगे, इसमें क्या ऐसा लॉजिक है, इसमें ऐसा क्या रामबाण है। सर बहुत पावरफुल है, अगेन सिर्फ ऑब्जर्वेशन का गेम होता है, स्ट्रैटेजी सब पावरफुल है, अगर मान लोगे पावर बन जाएगा, नहीं मानोगे तो वो स्ट्रैटेजी। और सपोज करो मैं आपको एक डायमंड दे दूं, रियल डायमंड, और मैं आपको बोलूं बॉस ये एक पत्थर है, एक पत्थर है ले लो आप मेरे से, बिलीव करोगे सर? तो आप क्या बिलीव करोगे? आप बोलोगे अरे गुरु ने बोला है, सर ने बोला है, तो हाँ यार ये पत्थर ही होगा, जबकि आपके हाथ में रियल डायमंड आपको समझ में नहीं आएगा। तो इंपॉर्टेंट इज रिलेशनशिप, इसलिए मैं बार बार जोर देता हूं, अगर आप मेरे को नए नए फॉलो कर रहे हो प्लीज मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करो, मेरे यूट्यूब को ज्वाइन करो, मेरा उल्टा पुल्टा स्ट्रैटेजी का पावर देख लो आप, प्लस मेरा ट्विटर में 22,500 के ऊपर फॉलोअर्स हैं, आप वहां देख सकते हो लोग किस तरह से प्यार दे रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो भी मैंने अभी तक अपने स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं उन सब के फीडबैक टेलीग्राम में, ट्विटर पे, फेसबुक पे पड़े हैं, फेसबुक में रिव्यूज दिए गए हैं, आप वहां पे जाके एक रिलेशनशिप क्रिएट करने में कि यार ये बंदा सच्चा है या झूठा है आपको समझ में आ सके, राइट। तो उनके लिए मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर निफ्टी रेड है अगले दिन कह रहा हूं सेम डे स्टॉक आपका रेड खुलता है, फर्स्ट कैंडल निफ्टी फर्स्ट कैंडल रेड है, देन विल थिंक अबाउट फॉर सेल ओनली। नाउ आई विल टॉक अबाउट द कंडीशंस। कंडीशंस क्या है? पहला कंडीशन, इफ रूल नंबर वन, रूल नंबर वन से बात करेंगे, रूल नंबर वन क्या है? इफ निफ्टी फर्स्ट 5 मिनट कैंडल रेड, राइट, देन ओनली थिंक फॉर व्हाट? ओनली थिंक फॉर बाय सेल, चल ओनली थिंक फॉर सेल साइड, ठीक है। रूल नंबर टू हमारा क्या रहेगा? इफ निफ्टी फर्स्ट 5 मिनट कैंडल ग्रीन, देन ओनली थिंक अबाउट फॉर बाय माई साइड, क्लियर? यहां तक आपको क्लियर? होप यू अंडरस्टैंड बाय दीज टू वैलिड पॉइंट्स। यहां तक आपको सब क्लियर है? नहीं क्लियर है, एक बार दोबारा चले जाना, पुराना वीडियो देख लेना। अब कुछ रूल्स, ये तो दो रूल है, ठीक है, स्टॉक्स में आपको क्या करना है। अब वेरी पावरफुल सेटअप है ये, बहुत बहुत पावरफुल सेटअप, इसका मेरे पास प्रॉपर एल्गो है, आई हैव अ प्रॉपर एल्गो इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी, वेरी पावरफुल सेटअप फॉर स्टॉक सिलेक्शन। क्योंकि सबसे खासियत, अगर आपने ध्यान दिया होगा गाइस, एक ही चीज दिक्कत आती है आपको, सिर्फ एक सिंपल सी चीज दिक्कत आती है, क्या भैया स्ट्रैटेजी पता है बट स्टॉक सिलेक्शन नहीं पता। और मेजर क्वेश्चंस जो मेरे पास आते हैं, मेल आते हैं, डाउट्स आते हैं लोगों के, यही पूछते हैं सर मैं क्या स्टॉक सिलेक्शन सीख पाऊंगा? सर स्टॉक सिलेक्शन सिर्फ दिमाग का गेम है, थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे, जरूरत ही नहीं है
कि पूरे दिन बच्चों की तरह सिस्टम में बैठे रहो, टीवी देखते रहो, कौन क्या बोल रहा है वहां से स्टॉक सिलेक्शन निकालो, खुद स्टॉक सिलेक्शन निकालो और देखो इसके अंदर मैं कितना पावरफुल आपको सेटअप बता रहा हूँ। निफ्टी अगर रेड है तो आपको सेल वाले स्टॉक्स ढूंढना है, निफ्टी अगर ग्रीन है तो आपको बाई वाले स्टॉक्स ढूंढना है। अब कैसे स्टॉक सिलेक्शन किया जाए, ठीक है? तो आपको ये चीज तो पता चल गई। अब स्टॉक सिलेक्शन कैसे किया जाए, ग्रीन रेड कौन सा खेलना है उस दिन, रेड खेलना है, बुलिश में खेलना है या बियरिश में खेलना, ये आपको क्लियर, यहां तक आपको आराम से अच्छे से क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा, राइट? अब मैं बात करता हूं गाइस कैसे स्टॉक सिलेक्शन किया जाए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये हमारा, हाउ टू डू अ स्टॉक सिलेक्शन। आ जाइए, ठीक है? अब हाउ टू डू स्टॉक सेलेक्शन, दिस इज अ बिगेस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन आवर पीपीटी। सर मेरे पास कोई पीपीटी नहीं है, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, आई एम प्रोफेशनल इन माई ट्रेडिंग, आई एम नॉट प्रोफेशनल इन प्रेजेंटेशन एट ऑल, बट जो भी दूंगा दिल से दूंगा, दिल से लेने की कोशिश करना गाइस। आई अगेन मेरा एक ही मंत्र है, लर्न एंड अर्न। अगर आप सीखोगे तभी पैसा बना पाओगे, कोई ज़रूरत नहीं आप मुझे पैसा दो, मेरा सेमिनार ज्वाइन करो या किसी का ज्वाइन करो, बस मैं ये कहता हूँ जो भी सेटअप पढ़ रहे हो, जो भी स्ट्रैटेजी पढ़ रहे हो, उसको 100% शिद्दत के साथ पढ़ना, अपने आप पैसा बनना चालू हो जाएगा, ठीक है? सेटअप वन, अब बात करूंगा सेटअप टू। ठीक है, अब सेटअप में टू में क्या है, वेरी सिंपल, इसके दो रूल हैं। रूल वन, पहला रूल क्या है इसके अंदर, इफ एनी स्टॉक, स्टॉक सिलेक्शन का बता रहा हूं, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ टू डू अ स्टॉक सिलेक्शन, सॉरी, इफ एनी स्टॉक फर्स्ट 5 मिनट कैंडल, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल should be above 1% or near by, कोई कंडीशन नहीं है, 0.9 भी है तो भी आप कंसिडर कर लो, 0.8 है तो भी कंसिडर कर लो, 1.01 है तो भी कंसिडर कर लो, 1.1 है तो भी कंसिडर कर लो, ठीक है? बट नियर अबाउट, अबव 1% से ज्यादा हो अच्छा है, अदरवाइज नियर बाई 1% भी लोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है? अब रूल नंबर सेकंड पॉइंट, इसका जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम पढ़ लेते हैं, वो क्या है, सपोज सपोज वी सेलेक्ट बाई सेटअप, वी सेलेक्ट बाई सेटअप, सपोज वी सेलेक्ट बाई सेटअप, देन क्या करना है, बाई अबव फर्स्ट 5 मिनट कैंडल हाई, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल हाई पे आपको काम करना है, पहला कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन, हाउ टू स्टॉप लॉस, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एंट्री बता दी आपको, हाउ टू प्लेस स्टॉप लॉस, दिस इज अ बिगेस्ट क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी। आ जाओ, इसके अंदर जो स्टॉप लॉस लगाना है, फॉलो दिस पर्टिकुलर स्टॉप लॉस, ठीक है? अब इसके अंदर टारगेट, राइट?
सर आपने चलो एंट्री बता दिया, स्टॉप लॉस बता दिया, अब टारगेट क्या लेंगे वो तो बताया नहीं। टारगेट भी बहुत सिंपल है गाइस, जो मेरे को फॉलो करते हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को मालूम है मेरा जो टारगेट रेशो रहता है किस तरह का रहता है। टारगेट होगा आपका, दो से 3% का TGDS टारगेट्स। क्लियर? यहां तक समझ में आए? पहला सेटअप, सेटअप नंबर वन, दिस इज सेटअप वन नंबर वन, जिसको मैं अगर नाम देना चाहूं तो इन शॉर्ट मैं दे सकता हूं 9:20 AM स्ट्रेटेजी। ठीक है, 9:20 AM स्ट्रैटेजी मैं इसको आराम से नाम दूंगा। और जो दूसरा सेटअप मैं आपको बताने वाला हूं, दैट इज 9:25 AM स्ट्रैटेजी। देखो कैसे चीजें चलती हैं। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे सेटअप नंबर टू की, जो आज मैं आपको फ्रेश तरीके से बताने वाला हूं। पुराना वाला जो सेटअप बताया वो रिवीजन कराया आपको मैंने, अब ये सेटअप नंबर टू। तो क्या बोलेंगे? 9:25 इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप इन सर्च। पावरफुल 9:25 इंट्राडे सेटअप। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? पहला कंडीशन, सपोज वी सेलेक्ट बाई सेटअप, तो मैं आपको लिख देता हूं बाई सेटअप। ठीक है, बाई सेटअप की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे सेल सेटअप की, ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, बाई सेटअप। अब गाइस कंडीशन ध्यान से समझना, पहला कंडीशन जो मैंने आपको बताया, एक सेकेंड, जो पहला कंडीशन मैंने बताया आपको निफ्टी वाला, सेम कॉन्सेप्ट में बात करेंगे कैसे। मैं आपको बताता हूं, इफ फर्स्ट 5 मिनट कैंडल ग्रीन देन ओनली विल डू बाई साइड, विल सिट ओनली विल ट्रेड बाई साइड ओनली। परफेक्ट, ठीक है, करेक्ट। अब गाइस इसमें जो एक इंपॉर्टेंट है, सेम चीज, अगर पहला रेड तो सेल, पहला ग्रीन तो बाई। यहां तक सबका क्लियर? इसके अंदर 9:25 का गेम है, यानी अगर मैं 5 5 मिनट के कैंडल देख रहा हूं तो यानी कि पहला 5 मिनट कैंडल निकल जाएगा, उसके बाद एक और नेक्स्ट कैंडल 9:25 का जो कैंडल है वो निकल जाएगा, उसके बाद हमारा ये सेटअप चालू हो जाएगा। उसके बाद हमें समझना है कि 10 मिनट के बाद हम बाई और सेल का सोचेंगे। एवरीथिंग इज सेम, एवरीथिंग इज सेम।
थोड़ा सा कंडीशन है इसमें जो आपको लगाना है, जो हाउ टू स्टॉक सिलेक्शन टाइम क्या रहेगा, स्टॉक सिलेक्शन का टाइम आपका क्या रहेगा, 9:25 9:15 से 9:20 9:20 से 9:15 आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखना है, तो 9:25 के बाद आपको सेलेक्ट करना है। सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कैंडल शुड बी रेड। सर ध्यान देना है सेटअप पे, इसमें मैंने आपको कंडीशन बताया, अगर निफ्टी स्पॉट ग्रीन है तो हमें बाई करना है स्टॉक्स को, राइट। इस कंडीशन में मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर निफ्टी ग्रीन है और आपको कोई स्टॉक रेड दिख जाता है तब क्या करोगे, उसी का उल्टा मैंने कर दिया। पहले स्ट्रेटेजी में, पहले सेटअप में निफ्टी ग्रीन तो स्टॉक बाई करते थे, इस वाले सेटअप में निफ्टी ग्रीन और स्टॉक रेड तब क्या करोगे। तो इसमें जो पहला फर्स्ट कैंडल शुड बी रेड, कंडीशन सुन लो, फर्स्ट कैंडल शुड बी रेड, ठीक है, कितना, हाउ मच, कितना होना चाहिए फर्स्ट कैंडल शुड बी रेड, फर्स्ट कैंडल, फर्स्ट कैंडल किसका, स्टॉक का, फर्स्ट स्टॉक कैंडल शुड बी रेड, ठीक है। एक सेकेंड, एंड फर्स्ट स्टॉक कैंडल फर्स्ट 5 मिनट, फर्स्ट 5 मिनट स्टॉक कैंडल शुड बी रेड, एंड सेकेंड कंडीशन जो है, एंड सेकेंड कंडीशन जो है, सेकेंड कैंडल शुड बी ग्रीन। आप ध्यान देना गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, इफ निफ्टी ग्रीन, इफ निफ्टी ग्रीन देन फर्स्ट कैंडल शुड बी रेड। अगर कोई स्टॉक का, अब मैं एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है, सपोज करो ये निफ्टी है, तो निफ्टी है, आपको क्लियर पता है कि बॉस मुझे बाई करना है, सेल नहीं करना। अगर पहला ग्रीन है निफ्टी का, मुझे बाई करना है, सेल नहीं करना है, कौन से स्टॉक को सेल करना है, कौन से स्टॉक को बाई करना है 9:25 के बाद, कैसे पता चलेगा। सपोज पहला कैंडल, स्टॉक का पहला कैंडल रेड है, निफ्टी ग्रीन है बट स्टॉक का जो पहला कैंडल है वो रेड है, और जो दूसरा कैंडल है उसके बाद वो आपका ग्रीन है, मान लो यहां पे रेड हुआ उसके बाद ये ग्रीन हो गया, ठीक है, ऐसा हो, या फिर आपका ऐसा हो, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कंडीशन अप्लाई है, कहां खुल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, कंडीशन अप्लाई, पहला स्टॉक का जो कैंडल है वो रेड होगा, सेकंड 5 मिनट का जो स्टॉक का कैंडल है वो ग्रीन होगा। अगर ये कंडीशन मिल जाती है तो आपको काम करना है, आ जाओ, देन वंस क्रॉस डे हाई देन गो फॉर
बाय साइड। नोट, इस पे नोट देने वाली ये बात है हाई, हाई शुड बी क्रॉस बी फोर कितना 10:45 और 11 AM। गाइस दिस इज वेरी वेरी पावरफुल सेटअप, हल्के में मत लेना। मैंने आपको कंडीशन शॉर्ट दोबारा बता देता हूँ, सेम कॉन्सेप्ट। अगर निफ्टी का ग्रीन कैंडल है हम लोग बाई करेंगे, हाँ अगर निफ्टी का ग्रीन कैंडल है हम सिर्फ बाई करने का सोचेंगे, निफ्टी रेड कैंडल है हम लोग सिर्फ सेल करने का सोचेंगे। बट इस स्ट्रेटजी में जो ये हमारा 925 का इंट्राडे स्ट्रेटजी है, इसमें फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल, सपोज निफ्टी ग्रीन है, फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल रेड होगा यानी अगेंस्ट में होगा, और उसके बाद जो सेकेंड कैंडल होगा, यस इमीडिएट सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल फोर्थ कैंडल से हमें कुछ नहीं लेना, इमीडिएट सेकेंड कैंडल अगर ग्रीन हो जाता है तब हमें देखना है ये दो कैंडल में, इस दो कैंडल के पास में अगर मैं आपको लाइव एग्जांपल दूंगा, यू नीड टू वरी अबाउट इट। तो इन दो कैंडल के पास वंस क्रॉस डे हाई देन गो फॉर बाय साइड। और नोट, 9:45 या 11 बजे से पहले चीज आएगी तो भी काम करना है, उसके बाद आपको काम नहीं करना है। अब आ जाओ आपको डायरेक्ट मैं प्योर इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन के अंदर कैसे करना है, कैसे हमारा एल्गो काम करता है वहां लेके जाता हूं। इसका जो वंडरफुल एग्जांपल है 13 दिसंबर का अंबुजा सीमेंट, चलिए लाइव एग्जांपल की मैं बात करता हूं, नो ब्ला ब्ला नो नथिंग, सीधे यहां पे ज्ञान की बात होती है। लोग जो कहते हैं ना सर जो ट्रॉलर्स हैं, प्लीज गाइस उनके लिए जरूर शेयर करिएगा, उनको समझ में आए। किंग रिसर्च ऐसे ही किंग रिसर्च नहीं बना है, 12 साल की तपस्या, 12 साल की कड़ी मेहनत करने के बाद एल्गो पूरा सेटअप बना रखा है हम लोगों ने। वी हैव मोर देन 25 स्ट्रैटेजीज इंट्राडे प्लस पोजिशनल इन करेंसी, इन फॉरेक्स, इन निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज, सर विदाउट विदाउट इंडिकेटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज विदाउट इंडिकेटर, प्योर 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 प्राइज एक्शन। दिस इज वंडरफुल थिंग, जो लोग हमसे सीख रहे हैं, जो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा। उल्टा पुल्टा एक छोटी सी स्ट्रैटेजी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी, वो इतनी पावरफुल है, तो क्लास के अंदर क्या चीज़ मैं आपको देने वाला हूँ। और हैदराबाद वर्कशॉप में ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, जो हैदराबाद के हैं या आस पास के हैं मैं उनको इन्वाइट करता हूँ हैदराबाद, आप मेरे पास आइए, मैं आपको एल्गो सेटअप के थ्रू कैसे स्टॉक सिलेक्शन किया जाता है, एल्गो ट्रेडिंग के अंदर कैसे स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करते हैं, वो मैं आपको एल्गो स्ट्रैटेजी दो तीन चीज देने वाला हूँ लाइव, जो मैं ऑनलाइन देता हूँ उसके एक्स्ट्रा एक दो सेटअप मैं वहाँ पे लाइव देने वाला हूँ, क्योंकि उन दो तीन स्ट्रैटेजी जो भी मैं लाइव देने वाला हूँ उसकी खासियत है फेस टू फेस, वो मैं आपको ऑनलाइन नहीं दे पाऊंगा, इसलिए दिक्कत है क्योंकि कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। जब फेस टू फेस बैठेंगे रियल मार्केट लाइव चार्ट के साथ जब आपको समझाएंगे ना तब आपकी चीज वो बैठ जाएगी, राइट तो जो हैदराबाद वाले हैं प्लीज डोंट मिस 21-22 दिसंबर 2019 वर्कशॉप हम लोग नहीं लेते हैं, आप लोग को भी पता है, हैदराबाद में ले रहे हैं इस साल, मोस्ट वेलकम, ज्वाइन करिए जल्दी जल्दी। ऑलमोस्ट 10 मेंबर सब्सक्राइब कर चुके हैं, आई एम आस्किंग फॉर ओनली 5 मोर मेंबर्स, उसके बाद सीट फुल, ओनली 15 लोगों का हम बैच लेंगे उसके बाद सीट फुल, क्योंकि लाइव 15 लोग मेरे पास वो चाहिए जो रियली मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं, और उनके लिए मेरा एल्गो सेटअप मैं आपको दिखाने वाला हूँ विद दैट टेस्ट, यू विल बी अमेज, ठीक है। और एक और स्ट्रैटेजी वहां पे देने वाला हूँ, पेयर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, जो लोग पेयर ट्रेडिंग हमारा देखते हैं, पेयर ट्रेडिंग फर्स्ट टाइम अपने सेमिनार में या वेबिनार में, फर्स्ट टाइम मैं हैदराबाद, क्योंकि हैदराबादी मैं आपके हैदराबाद में हूँ, मैं ही रहता हूँ, तो इनके लिए कुछ तो स्पेशल होना चाहिए गाइस, प्लीज बाकी लोग बुरा मत मानिएगा, आप लोग के वर्क शहर में जब भी मैं वर्कशॉप आऊंगा वहां पे भी आप लोगों को दूंगा, उसके लिए टेंशन मत लो, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं हैदराबाद से स्टार्ट करना चाहता हूँ, ये मैं एक न्यू ईयर पे उन लोगों को गिफ्ट देना चाहता हूँ, पेयर ट्रेडिंग आपने एक्यूरेसी लेवल मेरा देखा है ऑलमोस्ट 90% प्लस एक्यूरेसी लेवल, छोटा मोटा टारगेट नहीं,
50 60 70 80,000 का प्रॉफिट के साथ जो टारगेट देता हूँ आपने देखा है, वो पेयर ट्रेडिंग फर्स्ट टाइम इन हैदराबाद में मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। और एक और खासियत बताता हूँ, हमारे एक मेहमान दिल्ली से स्पेशली आप हैदराबाद लोगों के लिए मैंने बुलाया, ही इज अ फुल टाइम ट्रेडर, ही इज अ प्रोफेशनल फुल टाइम ट्रेडर, उनका भी ट्रेड सेटअप दिखाएंगे, उनसे भी हम डिस्कस करेंगे, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे उनकी भी कुछ पावरफुल स्ट्रेटजीज आप लोगों से शेयर कर सके। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं आ रहा हूँ, हम दो लोग आ रहे हैं यहाँ पे, एक गेस्ट आएंगे हमारे हैदराबाद में और एक मैं आऊंगा, और हम लोग दोनों अपने पावरफुल सेटअप आप लोगों को देंगे और लाइफ टाइम सपोर्ट, लाइफ टाइम आपका साथ दिया जाएगा। चलिए कम टू द स्ट्रैटेजी, हो गया ज्ञानबाजी, कम टू द स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले किसकी, क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे निफ्टी, करेक्ट। अब निफ्टी में हमने क्या देखा कि बॉस जो पहला कैंडल है वो क्या है, कितने मिनट का, 5 मिनट का, ध्यान रखिएगा, नोट करते रहिए, 5 मिनट का निफ्टी का पहला कैंडल क्या है, ग्रीन कैंडल, राइट। ये देखिए पावरफुल ग्रीन कैंडल, गैप अप के साथ ग्रीन कैंडल, परफेक्ट, ठीक है। हम लोग समझ रहे हैं बाई सेटअप, ठीक है। अब आ जाओ कैसे स्टॉक सिलेक्शन किया जाए। अंबुजा सीमेंट एक बार देख लेते हैं, अंबुजा सीमेंट सर वीडियो नॉट अवेलेबल, वही सेम 5 मिनट लगाया। अंबुजा सीमेंट में क्या हुआ, निफ्टी बाई थी, ग्रीन था, हम बाई सेटअप ढूंढ रहे हैं, लेकिन इस जो स्ट्रेटेजी आज मैंने नहीं सिखाई है 925 वाली, उसमें कंडीशन क्या था, पहला कैंडल, जो आपका ये पहला कैंडल है, राइट, जो भी ये पहला कैंडल है देखो रेड कैंडल, उसके बाद सेकंड कैंडल, ग्रीन कैंडल, एम आई राइट, फर्स्ट कैंडल रेड, सेकंड कैंडल ग्रीन, और जो मैंने कंडीशन लिखा था जब हाई टूटेगा तब हमें बाई करना है, इन दोनों का सेल तो करना ही नहीं है, तो अगर लो टूटता तो हमें कुछ काम करना ही नहीं था, अब हमें सेल करना है, यानी कि इन दोनों कैंडल के ऊपर, यानी कि इसके ऊपर 195 अप्रॉक्स वैल्यू ले लेते हैं, 195 पे हमें बाई करना था, और देख लीजिए गाइस 195 पे एंट्री हमें जो मिली है ऑलमोस्ट 10:05 पे मिली है, और हमारी कंडीशन क्या है, 11 या फिर 10:45 या 11 बजे से पहले सेटअप आएगा तब काम करेंगे, नहीं तो काम नहीं करेंगे। क्योंकि एक चीज मेरी बात सुन लीजिए ध्यान से, आज पूरा स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग टाइमिंग का गेम है, जिस लोगों को टाइमिंग समझ में आ गई वो पैसा बना जाएगा, चाहे आपके पास फुद्दू से फुद्दू स्ट्रैटेजी हो, अगर टाइमिंग नहीं समझ में आई पावरफुल से पावरफुल स्ट्रैटेजी भी आपकी फेल हो जाएगी, क्योंकि सर पूरा का पूरा गेम जो है ना ऑपरेटर्स का पार्टिसिपेशन के ऊपर होता है, तो उनका टाइम फ्रेम क्या है, उनका फेवरेट टाइम फ्रेम क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, उनके टाइम फ्रेम से नहीं अपने टाइम फ्रेम से काम करते हैं, अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट ये जो सेटअप्स की बात करते हैं हम लोग, ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज की बात करें, पर्सनल ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं, ये प्योरली आप एक एक जो भी आपके पास सेटअप है, राइट, जिसको भी आप फॉलो करते हो, सर एक थोड़ा सा टाइम जोड़ देना कि यार इस टाइम पे मुझे ट्रेड नहीं करना है, इससे पहले ऐसा टाइम पे आएगा तभी काम करना है, देखो ऑटोमेटिकली 4 चांद लगा दोगे आप, 4 चांद लगा दोगे उस स्ट्रेटजी पे, इस स्ट्रेटजी भी की, और मेरी सारी स्ट्रेटजी की खासियत है मैं बता रहा हूं टाइमिंग के साथ, राइट। तो यहां पे हमारा जो ट्रेड आया ऑलमोस्ट इस कैंडल के हाई के ऊपर आया, हाई मैं आप लोगों के लिए मार्क कर देता हूं, ये देखिए मेरा हाई, ठीक है, ये हमने ऑरेंज कलर का जो है हाई मार्क कर दिया, हमारा जो ट्रेड आया 10:05 के आसपास इसमें एंट्री हुई, यही आपका हाई पे एंट्री था, 194.90 पे आपका ट्रेड बनता था, 10 पैसे का बफर ले लेना, 195 पे आपने एंट्री करी, ऑलमोस्ट मेड हाई 199, 200 रुपये का स्टॉक है, उसने नीचे का चेहरा नहीं देखा, ऊपर ही ऊपर, सेकेंड मोस्ट पावरफुल एग्जाम्पल HDFC, पहला कैंडल ग्रीन,
पहला निफ्टी का कैंडल ग्रीन था, राइट? एक बार देख लिया, बार बार देखने की जरूरत नहीं है। पहला कैंडल रेड, सेकेंड कैंडल ग्रीन, करेक्ट? पहला कैंडल रेड, सेकेंड कैंडल ग्रीन। मैं क्या करने वाला हूं फटाफट बताइए, मैं क्या करने वाला हूं? बाई करने वाला हूं, सेल करने वाला हूं, फटाफट। उसके बाद आपको बताते हैं, अभी जितना दे रहा हूं उसको समझने की कोशिश है। एचडीएफसी देखो गाइस, रेड ग्रीन बाई कर रहे हैं, बात खत्म। कहां बाई करेंगे? इस हाई के ऊपर। इस हाई के ऊपर कब आया? 2332 के ऊपर इस लेवल पे आया, 10:05 पे ही आया। यानी कि जो कंडीशन थी 10:45 या 11 बजे से पहले आना चाहिए था, वो कंडीशन फुलफिल हम यहाँ पे एंट्री कर लेंगे। 2333 फैंसी नंबर है, 2333 के बाद आप खुद देख लीजिए 2365 का मेड अप हाई, पावरफुल। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं आप ही का एक और फेवरेट स्टॉक, जो कोई गैस कर पाएगा, मेट्रो बनाती है, LNT, रेड कैंडल एंड देन ग्रीन कैंडल। उसके बाद यहां पे बाई करना था, आपकी एंट्री आई 9:40 पे, 9:40 पे आया और हाई लगा दिया इसने 1305 1308 ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स, 1200 रुपए 1300 रुपए के स्टॉक में ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स, राइट? टाटा मोटर्स के फेवरेट है, टाटा मोटर्स वालों का। देखो टाटा मोटर्स, पहला कैंडल ग्रीन आया, दूसरा कैंडल ग्रीन आया, क्या हमारी यहाँ पे कंडीशन फुलफिल हुई? नहीं हुई, क्योंकि पहला कैंडल रेड आना चाहिए था, उसके बाद सेकेंड कैंडल ग्रीन आना चाहिए था, इसलिए इग्नोर। बट जो हमारा निफ्टी का पहला सेटअप मैंने आपको बताया था 9:20 का जो उस कंडीशन में, देखो मॉर्निंग में जैसे ही परसेंटेज में ऊपर खुला, गैप अप खुला, उसके बाद पहला कैंडल ग्रीन, निफ्टी का पहला कैंडल ग्रीन था 5 मिनट का, स्टॉक का भी पहला कैंडल 5 मिनट का ग्रीन था। जो लोग भी यहां पे बाई किए होंगे 180 पे ऑलमोस्ट मेड हाई 184, 2% की रैली इन टाटा मोटर्स में मॉर्निंग में सिर्फ 1 घंटे की चाल में, और 1% की कंडीशन थी सेटअप में, एक कंडीशन 1% की मिनिमम स्टॉक मूवमेंट होना चाहिए, उसी को हम एंट्री करते थे, राइट? सेकंड वाला जो कंडीशन है, जो सेकंड सेटअप का जो कंडीशन है, यानी कि 9:25 का जो कंडीशन है, उसमें हम लोग काम करेंगे 0.50% की मूवमेंट। जो पहला कैंडल होगा वो 0.50% का कैंडल होना चाहिए, तब मजा आएगा, आपको फिल्टर हो जाएगा स्टॉक सिलेक्शन और एक्यूरेसी लेवल पावर हो जाएगा। अच्छा, इसी को टाटा मोटर डीवीआर देख ले एक बार। ये देखिए, यानी कि जो आधा परसेंट की चाल आ रही है वो आ गई, रेड ग्रीन बाई किया, कहां पे 7260 7298 एंड 73 पे बाई किया, वहां से ऑलमोस्ट 74.70% आप खुद कैलकुलेट कर लेना। और मजे की बात, सीमेंट सेक्टर, ये पहला कैंडल पावरफुल रेड, आधा परसेंट चाहिए पहला कैंडल का मूवमेंट, जिससे हमें ये पता चलता है उस स्टॉक के अंदर कुछ बड़े प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पहला कैंडल आधा रेड कैंडल, उसके बाद ग्रीन कैंडल, हाई टूटा गाइस। हाई टूटने के बाद देखो, लोगों का नजर भी नहीं दिखाया, लोगों की शक्ल भी नहीं दिखाई। अगर आप जो स्टॉप लॉस पूछ रहे थे, मैं बोल दूं, जो भी जैसे एंट्री मिली, जैसे ही आपको एंट्री मिली, उस एंट्री का तो 1% मैंने बताया असल, ठीक है, या 1.5% बताया, और एल्स आप ये लो का भी लगा दोगे ना, तो भी आधा परसेंट, 0.5% 0.25% का भी एसएल हो जाएगा। और वहां पे आपको देखो, यहाँ पे एंट्री मिली, आपने तुरंत ये स्टॉप लॉस लगा दिया, और देखिए गाड़ी कैसे चली, 1444 1466, 20 पॉइंट का ही, ठीक है? होप यू अंडरस्टैंड माई स्ट्रैटेजी, आपको समझ में आएगा। टेक ओनली अंडर स्टॉक्स। पटेल साहब, आप स्टार्टिंग में जो ट्रेड करेंगे, पहले कैश में काम करेंगे, 8-10 दिन 15 दिन प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रैक्टिस करने के बाद आप फ्यूचर में भी कर सकते हो, करेंसी में भी कर सकते हो, फॉरेक्स में भी कर सकते हो, एमसीएक्स में भी कर सकते हो, जिसमें आपको दिल करे उसमें आप करना।
लेकिन प्रैक्टिस मेक्स मैन एंड वुमेन परफेक्ट, ये लाइन हमेशा याद रखना। एक छोटा सा चीज, बहुत छोटा सा, सर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा, आपको समझ में आ गया होगा, nscindia.com। और एल्स जो हम लोगों का फेवरेट है, जो हम लोगों का फेवरेट है वो है मनी डॉट रेडिफ, राइट। इसको आप खोल लीजिए, मैं कोशिश में यही करता हूं, मैं बताता नहीं हूं बहुत सारे लोगों को कि मैं कौन सी साइट यूज करता हूं, क्योंकि अगेन साइकोलॉजी है इसके पीछे, कॉन्सेप्ट है। जो वेबसाइट आप देखते हो उसमें वही चीज, अगर मेरे को पता चल जाए यार ये चार वेबसाइट है, मनी कंट्रोल, रेडिफ, याहू फाइनेंस और जो भी एनएससी इंडिया जो भी है, सब लोग आप यही देखते हो ना, नॉर्मल क्या देखते हो, मनी कंट्रोल देखते होंगे, एनएससी की इंडिया वेबसाइट देखते हो, गवर्नमेंट की ट्रस्ट करते हो। मैं अगेंस्ट में नहीं हूँ, मैं इतना जानना चाहता हूँ अगर मुझे पैसा कमाना है जो दूसरी दुनिया देख रही है उससे अलग सोचना पड़ेगा, जो आप लोग देख रहे हो उससे अलग कुछ देखना पड़ेगा, चाहे वेबसाइट हो, चाहे इंफॉर्मेशन ऐसी इस तरह की वेबसाइट्स हो, क्योंकि आप सब एनएससी देखते हो, मैं नहीं देखता, क्योंकि वो लोग जो दिखाना चाह रहे हैं आप सब लोग वही देख रहे हो। रेडिफ मुझे दिखाना चाह रहा है बट रेडिफ कम लोगों को दिखाना चाह रहा है, इसलिए मैं जीत जाऊंगा। मनी कंट्रोल आप सब लोग देखते हो, अच्छी बात है, कोई खराब नहीं है, वंडरफुल वेबसाइट, बट पूरी दुनिया वही देख रही है ना। फॉर एग्जाम्पल जीरोधा में आप सब ट्रेड करते हो, आप सबका अकाउंट जीरोधा में, अच्छी बात है, मेरा भी है, बट गाइस कभी सोचा है, नोटिस किया, डिस्काउंट ब्रोकर जीरोधा स्टॉक्स गुनगाते हो आप, अरे ब्रोकरेज जो सबसे बड़े एनिमी है एक्सपोजर, उसको आप दोस्त बनाते हो, वहाँ पे एक्सपोजर मिलता है, मार्जिन मिलता है इंट्राडे, उसके बेस पे आप ट्रेड करते हो और एक दो दिन में अपना पूरा पोर्टफोलियो गायब, पूरा पोर्टफोलियो गायब, फिर गाली किसके देते हो, ऑपरेटर्स को। ऑपरेटर ने क्या किया भाई, ऑपरेटर ने कुछ नहीं किया, आपने दोस्त बना रखे अपने एनिमीज को, क्या एक्सपोजर लेते हो, राइट। डिस्काउंट ब्रोकिंग में ट्रेड करते हो, कैसे, क्या, क्यों, किस लिए, लॉजिक लगाओ सर। पूरी दुनिया जीरोधा यूज कर रही है तो उस पर नंबर ऑफ ट्रेड सेटअप्स कितने लगते होंगे, वहां पे नंबर ऑफ ट्रेड क्वांटिटी कितनी लगती होगी, वहां पे कितने स्टॉक्स में कितने लोगों ने बाई किया है, कितने लोगों ने किस रेट पे एसएल लगाया, कितने लोगों ने किस रेट पे टारगेट लगाया, क्या पीछे बैठ के मैनिपुलेशन नहीं होती है, मेरे ख्याल से नहीं होती है, ठीक है, हम यही सोचते नहीं होती है, बट मेरे अंदर सर एक छोटा सा कीड़ा है, मैं ये सोच रहा हूं यार हो तो सकती है ना 1% भी। अभी बैंक बचे नहीं, फ्रॉड हो रहे हैं बैंक के अंदर, जो आपका पैसा लेके बैठे हैं वो फ्रॉड हो गए, जितने गवर्नमेंट बैंक है उसमें फ्रॉड हो रहे हैं सर, है ना, जिस पर हम ट्रस्ट करते थे, यार ये तो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट का, वो गलत जगह चले गए हैं, ठीक है, जिस पर आप ट्रस्ट कर रहे हो वो आपको धोखा मिल रहा है। तो क्या कारवी फॉर एग्जाम्पल देख लो सर, कारवी ब्रोकिंग फर्म भी नहीं छोड़ा लोगों ने उसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें हो गई, तो क्या हमारे पोजीशंस को देख के बड़े ऑपरेटर कुछ उल्टा नहीं करते होंगे, उनको नहीं पता कि सब लोग रिलायंस बाई कर रहे हैं, निफ्टी आज के डेट में टॉप पे बैठी है और लोग क्या बैठे हैं, लोग भी बाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, निफ्टी भले ही पॉजिटिव है, आप लोग भी बाई में बैठे हो नहीं बैठे हो, या आप लोग वेट कर रहे हो, कब आपने पोजिशन बनाई है। थिंक लाइक अ बिग शार्क, बार बार बोलता हूँ, थिंक लाइक अ बिग बॉयज, जिस दिन ये चीज़ों को समझोगे ना पैसा अपने आप आएगा। हम लोग भागते हैं स्ट्रैटेजी के पीछे, अरे बॉस स्ट्रैटेजी तो बाद की बात है, ओनली 20% मार्केट में स्ट्रैटेजी काम करती है, 80% आपका दिमाग और आपका थॉट प्रोसेस और साइकोलॉजी ये काम करती है, आप किस तरह से मार्केट को अप्रोच करते हो, राइट। एक एथलीट से पूछना, जब वो ग्राउंड में उतरता है ना, जमीन को हाथ से टच करके मुंह से चुम्मा देता है, पहले उसको रिस्पेक्ट देता है, राइट। हम लोग क्या करते हैं, जो पूरी दुनिया कर रही है वो उसको फॉलो करने लग जाते हैं, तो दिल पे लेके आओ। स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज है वो लैंग्वेज समझो, कैसे काम करती है स्टॉक मार्केट, होता क्या है। आप लोगों को दिखता है स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है, मेरे को ये नहीं दिखता है, मेरे को कुछ और दिखता है स्टॉक मार्केट में, वो समझना पड़ेगा। बहुत लोगों को लग रहा है क्या ज्ञानबाजी चालू हो गई, नहीं सर, दिस इज एक्चुअली थिंग्स। जो मेरे स्टूडेंट हैं जो आज भी जुड़े हैं उन लोगों को पता है, कोई बताना चाहेगा सर क्या ऐसा है जो मैं बात कर रहा हूं, हम लोग की क्लास में देखने का नजरिया चेंज हुआ या नहीं हुआ, एनीवन जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं बताना चाहेंगे प्लीज बताइए कि देखने का नजरिया बदला जो सर, मैंने
Can I speak, sir? Yeah, please, sir. Vasant, sir, yeah, please. Yeah, my name is Vasant. I am from Bangalore. And I have been in market for more than 15 years. I used to use candlesticks before also. But the way it has to be looked exactly was what I got to know from Arisar. There are a lot of things that we used to know. But jab se maine, it's been almost a month. Last month I was a student of a November batch. Just a 1 month, but my conviction and my attitude towards the market and the confidence towards the execution of trade is totally changed. I am more confident, more energetic. And you can, if you are on Twitter, you can follow my tweets also. I have a lot of my retweets and a lot of my answer to RSS tweets, where my trade execution has been screenshot I have given. And I'm not just saying, just for boosting myself or boosting Harry sir, but this is the fact. The way things should be. जो आप पहले देखते थे, अब जो मार्केट को देखने का नजरिया है, कुछ चेंज हुआ? कैसे हम लोग देख रहे हैं? पहले हम क्या देख रहे हैं? चेंज हुआ या सर रोलास? Definitely. Definitely sir. Way of approach, that is important. Maybe you have a powerful strategy. जो मेरे पास है, उससे powerful आपके पास. But ready sir, more ready sir, more ready sir, please sir. ये मैं कहना चाह रहा हूँ, अप्रोच देखने का नजरिया चेंज करो. एनी अदर स्टूडेंट या फिर जो मेरे को फॉलो करता है या जो भी देखता है, सर हेलो, जस्ट फॉलो. हाँ रामपाल भाटी बोलो. जी सर बोलिए. वन बाय सर पावरफुल स्ट्रेटजी. हाँ पावरफुल, आपकी पावरफुल स्ट्रेटजी है जो भी है वो काम करती है. मैं जस्ट फॉलो कर रहा हूँ आपको. थैंक यू सर. उल्टा पुल्टा कैसा लगा सर? ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ. जी राजा राम जी बोलिए. हेलो. जी जी सर बोलिए. हेलो. हाँ मैं नवंबर का बैच का सर का स्टूडेंट हूँ. मेरा पहला यानी कि नजरिया, मैं मराठी को ज्यादा प्रेफर करता हूँ, लेकिन जो भी वो समझ जाएंगे. मैंने पहले भी ऑलरेडी ट्रेडिंग करता था, लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो रहा था. रिलायंस मेरा 2-5-7 महीने एक ब्रोकर क्या करके लिया हुआ था, लेकिन वो क्यों लिया, कैसे लिया, वो सर ने सब कुछ मुझे एग्जाम्पल देकर मैं बताया था. उसके बाद मेरा नजरिया जो है देखने का मार्केट का पूरा बदल चुका हूँ. मैं आज भी इक्विटी में करता हूँ, लेकिन 1000 प्रॉफिट में लेता हूँ. ये सर जी की सिखाने की कृपा है, बस बाकी कुछ नहीं सर. सर बस मैं एक ये मैसेज जानना चाह रहा था, जो आप पहले देख रहे थे और अभी जो मेरा हम जो हम बोलते हैं ना एक स्टेटमेंट, थिंक लाइक अ बिग शार्क. हाँ बड़ा देखने की कोशिश करो. यस सर. वो बदल चुका है, वो बदल चुका है. एक महीना में करूंगा, बाद में मैं सीधा फ्यूचर पे ही आऊंगा. फ्यूचर पे दिस इज व्हाट आई एम. थैंक्स अ लॉट सर. हरी सर थैंक्स अ लॉट. अरे थैंक यू सो मच. हेलो हरी जी सर. हरी सर. यस सर. सर आई वांट टू रिक्वेस्ट फॉर योर ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू. एक्चुअली आई वांट टू हैव, कैन यू प्लीज अरेंज दिस ट्रेनिंग in your recording, because the timing is not suitable for me. I go to the office in evening and the time you provide is 9 to 11. Sir sorry sir. Hello sir. Actually I have only one time only. Hello. Hello sir. Actually thing is I have only one time only, because I am I am do currency also, I am do forex also. Sometime MCX also, so many things are there, so that is what.
I have been following you for long, but I have not, I have never used your strategy Ulta Bolta and other strategy, but still I believe in you, that's why I am requesting you if there is any other alternate to get your full training, like if you are conducting this training in Delhi workshop. It is possible. डेफिनेटली सर ये साल हो गया खत्म, ठीक है? आप लोग का जो शिकायत है सर यहाँ पे, प्लीज दिल्ली में आइए, यहाँ पे आइए, मैं जल्दी आने वाला हूँ, आप सब लोगों का शिकायत दूर करने वाला हूँ, ठीक है? तो मैं वर्कशॉप इसलिए नहीं ले पा रहा था थोड़ा सा टाइम की वजह से, लेकिन सून मैं जनवरी में तो कोई कमिटमेंट नहीं करूँगा, लेकिन फरवरी ऑनवर्ड्स हर महीने में एक मैं सेमिनार आपका वर्कशॉप लेने वाला हूँ आपके शहर में आके, तो ठीक है? तो उसकी तो आप टेंशन छोड़ दीजिए, और जो भी मेरा ट्रेड होगा एल्गो प्लेटफॉर्म के थ्रू होगा, और जो भी सेटअप होगा कुछ स्कैनर्स आप लोगों को दिए जाएंगे वर्कशॉप के अंदर, जो भी वर्कशॉप में आएगा, तो उसके लिए आप टेंशन मत लो, क्योंकि मैं अब एक तारीख से पूरा मेंटली कह लो, साइकोलॉजी कह लो, फिजिकल कह लो, फाइनेंशियली कह लो, जो भी आप सोशली कह लो, मैं पूरे तरीके से मेरा एल्गो के ऊपर मैंने छोड़ दिया पूरा का पूरा सेटअप। अब मेरा ट्रेड जो भी है वो सब एल्गो में करेगा। और हाँ, आप लोग एक खासियत बताऊँ, अगेन नो ज्ञानबाजी, आप लोगों को रियल ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा क्या बनाया वो दिखाया जाएगा, वो भी लाइव ट्रेड, आपके सामने सिस्टम चला के छोड़ दिया जाएगा एक मशीन में, सुबह से शाम तक जब आपका मन करे तब आके देख लेना क्या हुआ, प्लस में माइनस में हो, क्या है क्या नहीं है, ईच एंड एवरी पॉइंट आपको लाइव दिखाया जाएगा। अपने आप एग्जीक्यूट हो रहा है वो चीज़ लाइव दिखाई जाएगी, अपने आप ट्रेड एग्जिट हो रहा है वो चीज़ दिखाया जा रहा है, एवरीथिंग, अगर सब कुछ सही चलता रहा एवरीथिंग इज लाइव। मॉर्निंग 9:15 पे हम सिस्टम चला के आपको लाइव छोड़ देंगे, आप मेरा स्क्रीन देखते रहना, अपने आप ट्रेडिंग हो रहा है तो सर क्या टेंशन है, फिर आप लोग के साथ ही बैठेंगे, आप लोग के साथ ही शेयर करेंगे स्ट्रैटेजी, और शेयर करूंगा, आई हैव मोर देन सर M6 की स्ट्रैटेजी और मेरे पास एनी अदर एनी अनुभव जी प्लीज सर आएंगे हम आपके पास One more thing I want to discuss. I have already my account with Angel Broking. So if I want to associate with you, so shall I disable my account? Then again, अभी जो भी आपके पास है आप एंजल का रहने दीजिए, दो महीने बाद आपका अकाउंट मेरे पास ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंचाइजी अभी मैंने कुछ 4 महीने पहले ही ली है, ठीक है? तो अभी मेरे को उसमें कंडीशन है कि 6 महीने के बाद आप किसी को भी अकाउंट में ले सकते हो, तो आप 2 महीने अकाउंट दे दीजिए, उसके बाद ओपन कर दीजिए, ठीक है? ये चीज है। थैंक यू सर। और कोई स्टूडेंट कोई फीडबैक देना चाहेगा या इस स्ट्रैटेजी के बारे में बात करना चाहेगा या फिर टाइम बॉम्ब स्ट्रैटेजी के बारे में बात करना चाहेगा, उसके बाद मैं सिर्फ आपके स्टॉक्स के डाउट्स लूंगा, आपको बताऊंगा बाई है सेल है क्या है, क्या कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो पोजिशनली, सिर्फ 10-15 मिनट का वो सेशन रखेंगे। हाँ दिलीप जी बोलिए। कई बार ट्रेड भी लेता हूँ, कई बार वॉच भी करता हूँ, अभी मैंने आपकी ट्रेनिंग ली नहीं है, फिर भी आपने जो भी दिया था यूट्यूब पे लाइव या नहीं उसको वॉच किया सर, अगर मैं ट्रेनिंग लेता तो सर क्या होता सर? मैं सर हैदराबाद आने वाला था इसलिए मुझे बीच में एडमिशन नहीं लिया, 2 दिन में हैदराबाद आने वाला हूँ सर, इसलिए मैंने ये ऑनलाइन अभी कैंसिल किया, क्योंकि फेस टू फेस भी मिला था सर। सर आ जाओ फेस टू फेस दिखाएंगे। हेलो सर, तो वे आर यू सर? हां जी। हेलो सर जी। दिलीप जी। हां अनिल जी। दिलीप हाँ सर, दिसंबर में सर 3 ही दिन हुए हैं, बट आई एम फीलिंग विद चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड वे ऑफ माय थिंकिंग सर, इट्स वर्किंग फाइन। अनिल जी यस, आप बैंगलोर आपने सर वो भारत फोर्ज में मुझे पोजीशन लेने से मना किया, मुझे लगता है 30-35 हजार मेरे चले गए सर। सर आपको याद होगा मैंने इसलिए मना किया, मैंने क्या बताया ये 10 दिन जो आपको मैं, क्योंकि आपको भी तीन ही दिन हुए क्लास exactly. राइट, तो मैं नहीं चाहता एक you want us to be emotionally stable, yes, I can understand, sir. क्योंकि सर ये 10 दिन मतलब ये कह लो जो नशा मुक्ति केंद्र होता है ना वहां पे क्या होता है कुछ दिन का कोर्स होता है, तब तक क्या होता है बिल्कुल आपको नशा नहीं करना है,
आप बीच में नशा भी करते रहोगे तो मैं छोड़ा पाऊंगा? नहीं छोड़ा पाऊंगा। तो ये वही है स्टॉक मार्केट, आपके अंदर ऑलरेडी इतना नशा भरा हुआ है ना मार्केट का, कभी किसी को देखते हो, कभी कुछ करते हो, कभी इमोशन आता है, कभी कुछ आता है। तो मैं वो चाहता हूँ कि वो 10 दिन आप मुझे डेडिकेटली दे दो, 11वें दिन से तो ट्रेड ही करना है ना सर। और गाइस एक स्ट्रेटेजी बहुत पावरफुल जो कि ऑलमोस्ट कह लो कॉम्बिनेशन ऑफ पाइवेट और मेरे कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के टूल्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन का एक मेरे पास पावरफुल सेटअप है, ठीक है। आई एम रिक्वेस्टिंग यू गाइस, अभी जो मेरे सब्सक्राइबर है यूट्यूब में, आप लोग करोगे उसमें, मैं नहीं करूंगा आपसे, मैं एक ही चीज फ्री में मांग रहा हूँ, पैसा नहीं मांग रहा हूँ। आप मेरे को 5000 सब्सक्राइबर्स दीजिए वहां पे यूट्यूब में, ठीक है, और मैं आपको जो कॉम्बिनेशन ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड पाइवेट के साथ कैसे गेम करना है वो दिखाऊंगा, विद बैक टेस्ट, विद एग्जांपल, विद एसएल, विद टारगेट, एवरीथिंग मेरे पास रेडी हो चुका है मटेरियल ऑलरेडी। मैं उसमें 8-9 महीने से काम कर रहा हूं, बैक टेस्ट भी डन हो गया है, 2-3 महीने और लगेंगे वो भी हो जाएगा। टिल देन आपको एक ही टास्क दे रहा हूं, जो मैंने देखो चैट बॉक्स में एक यूट्यूब का लिंक दिया है, वो यूट्यूब पे लिंक पे जाके तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने जो आपके पास ग्रुप है उसमें, या फिर रिट्वीट कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक वो चीज़ पहुँचे। वंस आई विल गेट 5000 सब्सक्राइबर, अगेन वन मोर कमिटमेंट, तुरंत मैं आपको एक और पावरफुल सेटअप यानी कि पाइवेट के साथ कैसे ट्रेड करते हैं थोड़ा सा डेमो दूँ, थोड़ा सा डेमो देता हूं मैं आपको, सिर्फ एक छोटा सा डेमो, ठीक है। ये देखिए पाइवेट के साथ और चीजों के साथ कैसे काम करनी है, एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ माय सिस्टम, सब कुछ तैयार है एल्गो के साथ। अगर वो जानना है सब्सक्राइबर 5000 मुझे आपके एंड से चाहिए। सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो प्रेस दिस बेल आइकॉन so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.